हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड में। आज मेरा टॉपिक है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। तो फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी में हम आज पढ़ेंगे अल्फ्रेड शुर्ट्ज को। अल्फ्रेड शुर्ट्ज के बारे में पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी को देखेंगे क्या है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं प्रघटनावाद। तो फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी को सार रूप में कह सकते हैं सब्जेक्टिविज्म या व्यक्तिनिष्ठवाद। व्यक्तिनिष्ठवाद, सब्जेक्टिविज्म, इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति का किसी भी क्रिया का या किसी भी एक्शन का या किसी भी चीज़ के बारे में उसका अपना विशेष व्यक्तिगत क्या अर्थ है, तो वो है व्यक्तिनिष्ठ। तो व्यक्तिनिष्ठावाद मतलब हर एक आदमी का अपना क्या अनुभव है, अपना क्या उसका अर्थ लगाया है वो। तो फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी की दो धाराएं हैं, एक यूरोपियन और एक अमेरिकन। तो यूरोपियन धारा जो है उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, मुख्य रूप से यूरोपियन धारा में शामिल हैं हसरेल और शुर्ट्ज, और अमेरिकन में है जॉर्ज सांत्याना। तो इसका मुख्य विकास जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ, और हसरेल और शुर्ट्ज काफ़ी फेमस हैं, इससे प्रघटनावाद से संबंधित हैं फिनोमिनोलॉजी से। तो आगे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के फिनोमिनन शब्द जो है यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकट दर्शन, है ना, प्रकटनावाद या प्रकट दर्शन। फिनोमिनोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी का कहना है कि समाज की वास्तविकता को जानने का तरीका केवल एक है, वो है व्यक्ति का अनुभव, है ना। जब हम अनुभव, व्यक्ति का अनुभव, अनुभव कब आएगा, जब हम समाज में खुद एक्सपीरियंस होगा, हमको समाज में देखेंगे सामने, तभी अनुभव आएगा, है ना। ऐसे नहीं अनुभव आ जाएगा किताब में पढ़ लिया ऐसे ही अनुभव आ जाए, ऐसा नहीं है। तो समाजशास्त्र में एडमंड हसरल की फिनोमिनोलॉजी का जनक समझा जाता है। तो प्रघटनावाद के जनक पिता कौन है, एडमंड हसरल। एडमंड हसरल हैं फिनोमिनोलॉजी के फादर। इनकी दो बहुत फेमस बुक हैं, तो कौन कौन सी हैं, नंबर वन है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ये एक है फिनोमिनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। दूसरी है आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमिनोलॉजी। ये दोनों बोथ बुक्स आर रिटन बाय एडमंड हसरल, और इनको फादर कहा जाता है फिनोमिनोलॉजी का। तो अभी हमें जो कोर्स में है वो अल्फ्रेड शुर्ट्ज के बारे में पढ़ना है, और एडमंड हसरल नहीं है कोर्स में। तो देखते हैं अल्फ्रेड शुर्ट्ज की क्या है फिनोमिनोलॉजिकल थ्योरी। तो शुर्ट्ज जो है 1939 में अमेरिका आए, पहले तो ये तो जर्मनी में थे, वहाँ पे उस टाइम वर्ल्ड वार था और काफ़ी युद्ध वगैरह चल रहा था, तो यहाँ से वो भाग के गए अमेरिका। 1939 में अमेरिका आए, तो यहाँ के उन्होंने अकादमिक क्षेत्र में उनके कई विचारकों से संपर्क हुए, और उनकी पुस्तक जो थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। शुर्ट्ज ने अपनी पुस्तक में जो है क्या किया है, जो तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा, उसको अब काफ़ी प्रयोग किया है। तो एक तरीके से हम शुर्ट्ज का जो पढ़ेंगे प्रघटनावाद या फिनोमिनोलॉजी, वो है क्या, वो एडमंड हसरल और मैक्स वेबर का जो मिला जुला सिद्धांत है उसी को लेके उन्होंने अपना, उनका ये सिद्धांत नहीं कह सकते, उन्होंने ये प्रघटना या फिनोमिनोलॉजी के बारे में बताया है। तो पहले इन्होंने जो है सामाजिक क्रिया को क्या, किस तरीके से लिया है, तो मैक्स वेबर की जो सोशल एक्शन की अवधारणा है उनका प्रयोग किया है, और वेबर के अनुसार जो अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया में व्यक्तियों द्वारा किया गया अभिप्राय वास्तविक क्रिया है। जो वेबर कहते हैं अंतःक्रिया में व्यक्तियों द्वारा दिया गया अभिप्राय, मतलब व्यक्तियों द्वारा जो भी मतलब दिया गया उस अंतःक्रिया का, वही वास्तविक क्रिया है। यदि इस क्रिया में व्यक्ति का अभिप्राय निहित है तो यह क्रिया गतिविधि मात्र है। अगर उस क्रिया में व्यक्ति का कोई अभिप्राय नहीं, कोई अभिप्राय मीन्स मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है तो वो क्रिया नहीं है, वो सिर्फ एक गतिविधि है जो हो गई लेकिन उसका कोई मीनिंग
नहीं है, तो उसी को इन्होंने यूज किया है। क्योंकि ये पहले पहले मैक्स वेबर की जो हम लोगों ने पढ़ा है सोशल एक्शन सामाजिक क्रिया, उसमें ये पढ़ चुके हैं। तो गतिविध मात्र है, सुर्ज जो है वेबर की आलोचना करते हैं किस आधार पे, जो उन्होंने वर्स्टेहन विधि को काम में लिया है मैक्स वेबर ने। वर्स्टेहन में क्या होता है ना, सहभागी अवलोकन या अंतर्दृष्टि या सूझ, तो ये होती कैसी है वर्स्टेहन में क्या होता है, जिनका हमें अध्ययन करना होता है वहीं जाके हमें उनके बीच में रहना पड़ता है और उसका एक पार्ट बनना पड़ता है, तभी तो हम उनकी अंतर्दृष्टि उनकी सूझ को अपने अंदर जनरेट कर पाएंगे, तब समझ पाएंगे उनकी बातों को, उनके कल्चर को, वैल्यूज़ को, जो भी समझना है हमको। तो वर्स्टेहन विधि को काम में लाते हैं, लेकिन जो सुर्ज कहते हैं वो कहते हैं उन्होंने क्या किया है, लेकिन इस तथ्य को समझाने में असफल रहे हैं कि कर्ता क्यों और कैसी प्रक्रियाओं द्वारा सामान्य अभिप्राय निकालते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि वर्स्टेहन विधि का भी प्रयोग तो कर रहे हैं वेबर, लेकिन ये वो समझाने में असफल रहे हैं कि जो कर्ता हैं वो क्यों और कैसी जो प्रक्रियाएं हैं उनके द्वारा जो है उसका अभिप्राय निकालते हैं, या सामान्य अभिप्राय। सामान्य अभिप्राय से मतलब किसी एक चीज़ के बारे में सबके एक जैसे थाट हों, और जबकि व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिविज्म पहले ही कहा गया है, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब कोई भी क्रिया होती है तो उसमें हर एक आदमी के अपने अपने अर्थ होते हैं, हर एक आदमी अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, अपना अपना अर्थ निकालता है, तो किसी चीज़ को लेकर सबका मत एक जैसा कैसे हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है कि बाराती विवाह में सम्मिलित होने का अभिप्राय क्या समझते हैं, मौज मजा खान पान आदि, ये निकालते हैं, हर एक बाराती यही मजा निकालता है, कोई ये नहीं सोचता कि जा रहे हैं अच्छा वहाँ पे बहुत दुख होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है, मौज मजा कि हाँ जाएंगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। तो वे किन प्रक्रियाओं द्वारा किन कारणों से इस सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुँचे, वास्तव में यह समस्या अंतर्व्यक्ति निष्ठता की है। तो यही इस कैसे वो उस पे पहुँचे डिसीजन पे कि शादी या विवाह में जाएंगे तो वहाँ मौज मस्ती करेंगे, सभी का यही रहता है, सब लोग सर्वसम्मत कैसे हो गए एक साथ। तो ये कहना है सुर्ज का कि उन्होंने वर्स्टेहन विधि में जो प्रयोग किया है, लेकिन ये किस तरीके से क्यों और कैसे किन प्रक्रियाओं द्वारा ऐसा होता है इसको बताने में असफल रहे हैं। तो ये विषय है अंतर्व्यक्ति निष्ठता, अंतर्व्यक्ति निष्ठता मतलब इंटर सब्जेक्टिविटी, मतलब सर्वसम्मत निष्कर्ष। सब्जेक्टिविटी मीन्स व्यक्तिनिष्ठ मतलब एक आदमी का, और इंटर सब्जेक्टिव मतलब आपस में कई व्यक्तियों का एक जैसा कैसे है। दूसरी ओर सुर्ज क्या करते हैं, हसरेल की धारणा को बिना किसी विवाद के स्वीकार कर लेते हैं। जो हसरेल की एक धारणा है अभी आगे पढ़ते हैं उसको क्या है, उसको वो बिना किसी विवाद के उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्या कि व्यक्ति जो है जीव जगत को जैसा भी है स्वीकृत किया हुआ मानते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब जो आदमी है या पर्सन है जब जिस जीव जगत में आता है जो चीज़ें देखता सुनता रहता है उसको एज इट इज यानी टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेता है, उसमें वो तर्क वितर्क या क्यों कैसे ये सब नहीं दिखाते, जो है चल रहा है जैसे जो देख रहा है वो छोटे पर से वैसे ही वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मानता है। अर्थात लोग जीव जगत के सभी तत्वों को समान रूप से एक जैसा समझते हैं, मतलब सब लोग जो एक जैसी धारणा है किसी चीज़ के बारे में, जैसे अभी ऊपर बताया गया है कि सब लोगों की एक ही जैसी धारणा हो जाती है जीव जगत के बारे में। तो सुर्ज हसरेल की जीव जगत की अधारणा को भी विस्तार से रखा है आगे। तो कैसे रखा, मनुष्य के मस्तिष्क में जीव जगत के नियमों मूल्यों मानक और वस्तुओं के बारे में जो बोध या ज्ञान है उसे तुरंत उपलब्ध होने वाला ज्ञान का भंडार कहते हैं। तो उनके अनुसार कहने का है कि जो वस्तुओं मानक मूल्यों के बारे में जो व्यक्ति के दिमाग में जो ज्ञान है उसे तुरंत उपलब्ध होने वाला ज्ञान का भंडार कहते हैं। तो जो ज्ञान है जीव जगत के बारे में जो ज्ञान का भंडार है दिमाग में वो अनुभव से ही है, उसके जो अंदर है, यानी हर एक व्यक्ति ज्ञान का भंडार है, तो जो उसके अंदर जो भी अनुभव है उसी से उसको उन चीज़ों के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, मूल्य के बारे में, किसी के बारे में जो अर्थ निकालता है तो अपने ज्ञान भंडार जो है उसका दिमाग में उसी के अनुसार लगाता, तो ज्ञान का भंडार या स्टॉक नॉलेज उसी को कहते हैं।
तो ज्ञान का भंडार मनुष्य के मस्तिष्क में है, वह मनुष्य की क्रियाओं की दिशा है, और जैसा उसका ज्ञान भंडार होगा वैसे मनुष्य की क्रिया करने की दिशा होगी। तो सूट जानना चाहते हैं आखिर जिन वस्तुओं का अस्तित्व है वह क्यों और कैसे है। तो फिनोमिनोलॉजी में मेन समरी यही है कि सूट जानना चाहते हैं कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व है वह क्यों और कैसे हैं, है ना, मतलब जिनका भी एग्जिस्टेंस है। तो इसको हम एक डायग्राम से इस तरीके समझ सकते हैं इनका पूरा सूर्य का फिनोमिनोलॉजी। तो सूर्य के फिनोमिनोलॉजी का मतलब यह है कि एक जीव जगत की जो जानकारी होती है व्यक्ति को, जीव जगत की जानकारी होती है व्यक्ति को कहाँ होती है, मस्तिष्क से और समाजीकरण द्वारा। कहाँ से होती है? मस्तिष्क से, समाजीकरण से, समाजीकरण द्वारा होती है। तो जो भी जानकारी है उसको जीव जगत के बारे में कहाँ से होगी? मस्तिष्क से, और जो समाजीकरण हुआ उसका उसके द्वारा, तो उसको कहते हैं ज्ञान का भंडार। सूट्स क्या कहते हैं उसको? स्टॉक नॉलेज, ज्ञान का भंडार। उसी को दूसरे लोग जैसे मैक्स वेबर, उसको क्या कहते हैं? वस्टेहन, वस्टेहन कहते हैं अंतर्दृष्टि। और उसी को सूर्य, इसी को व्यक्तिनिष्ठ सूर्य कहते हैं। व्यक्तिनिष्ठ मतलब जो व्यक्ति उसका अर्थ निकाल रहा है अपना, किसी भी क्रिया वगैरह का, जो भी घटना जो भी हुई उसको अपना अर्थ निकाल रहा है, तो व्यक्तिनिष्ठ हो गया। और उसी को मीड कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स या सामान्यीकृत अन्य। और सूर्य क्या कहते हैं? समाज या दुनिया की यथार्थता या वास्तविकता। सूर्य उसको क्या कहते हैं? समाज या दुनिया की यथार्थता, या यही है उनकी फिनोमिनोलॉजी। समाज या दुनिया की जो यथार्थता या वास्तविकता है, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं जो व्यक्ति है उसके इस समाज में क्या अनुभव हैं, उन्हीं को वो अनुभव क्या होंगे? वास्तविकता आधारित होंगे। ऐसे तो अनुभव है नहीं कि बिना कुछ किए देखे सुने और अनुभव आ जाए, ऐसा नहीं है। अनुभव कब होगा? जब हम उस फील्ड में उतरेंगे, कार्य करेंगे, तो वो अनुभव वास्तविक होंगे हमारे। तो मतलब एक तरीके से इसका समरी यही है कि जिन वस्तुओं का अस्तित्व है वह क्यों और कैसे हैं, इसका पता लगाना ही प्रगटनावाद है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, सूर्य का फिनोमिनोलॉजी।